प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत एस इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार मुजफ्फर चौधरी जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया अली खान जी। तो ये वीडियो काफी जबरदस्त होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी से लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपने ये मुकदमा किया है, ये नोटिस भेजा है वैसी साहब को, वो उसके उनको घसीटेंगी, वो बच के निकल जाएंगे, क्या बनेगा क्या उनके साथ? देखिए, अवैसी साहब के रजाकार की फौज बहुत बड़ी है और मुझे रोकने के लिए, मुझे डराने के लिए, या माधवी लता जी को डराने के लिए, या हम लोगों को बेआबरू बेइज्जत करने के लिए, ये मोहसिन एक्स जैसा और एक शेख कौन है, ये लोग जैसे लोग बहुत हमारे पीछे पड़ेंगे, बहुत पीछे पड़ेंगे। लेकिन मैंने जिस हिसाब से 10 करोड़ का मुकदमा उनके ऊपर दायर किया है, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ एक डेफेमेशन नोटिस भेजी हूँ और लीगली भेजी हूँ। अब इसके बाद फिर मैं इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्रिमिनल तरीके से भी करूंगी, आईपीसी, सीआरपीसी, संवैधानिक, तीनों तरीके से मैं असदुद्दीन अवैसी के ऊपर कानूनी कार्रवाई करूंगी। तीसरी चीज है कि मैं मोहम्मद बिन सलमान को मैं चिट्ठी भेज रही हूँ और उनके इस स्टेटमेंट के साथ कि अवैसी साहब बैठ करके इंटरव्यू पर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद पर थूक रहे हैं और लाहौल पढ़ रहे हैं और भारत के मुसलमानों को मना कर रहे हैं कि उस मस्जिद में मत जाना नमाज पढ़ने के। तो ये जो चीजें हैं, ये गंदी गंदी गालियां देने से और दिलवाने से ना मैं रुकने वाली हूँ और ना ही माधवी लता जी रुकने वाली है। इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर असदुद्दीन अवैसी और असदुद्दीन अवैसी के रजाकार के फौजों ने और भारत के कई मुसलमानों ने जो इस्लाम को अभद्र शक्ल दे दिया है, जो बदनुमा शक्ल दे दिया है, जो इस्लाम की दशा और दिशा दोनों खराब की है, जो इस्लाम को इन्होंने घिनौना साबित कर दिया है, इनको इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए, संवैधानिक तरीके से भी मिलनी चाहिए और इस्लामिक तरीके से भी मिलनी चाहिए। मैं पूछना चाहती हूँ कि कुरान के कई वर्सेस हैं जो टेररिस्ट को इंस्पायर करते हैं, मुझे भी पता है और मुजफ्फर भाई आपको भी पता है, आपने भी बामायने कुरान पढ़ा होगा, मैंने भी बामायने कुरान पढ़ा, और हम दोनों इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। हमारे अल कुरान, जो पांचवी हमारी अल्हामी किताब है, उसके जेर जबर को भी करेक्शन करना गुंजाइश नहीं है, उसके तजदीद और पेश को भी करेक्शन करना गुंजाइश नहीं है। तो जो मजहब औरतों को उसके बाप दादा की संपत्ति में बराबर का हिस्सा देने को तैयार नहीं है, औरत को इज्जत देने को तैयार नहीं है, वो औरत को अपनी बराबरी में खड़ा होता हुआ क्या असदुद्दीन अवैसी या अवैसी जैसे मुसलमान देखना पसंद करेंगे? कभी नहीं पसंद करेंगे, कभी जिंदगी में पसंद नहीं करेंगे। मैं पूछना चाहती हूँ तमाम उलमा उलूम खारी से, मैं पूछना चाहती हूँ कि कुरान के सूरा नंबर 2 आयत नंबर 191, कुरान के सूरा नंबर 8 और आयत नंबर 65, कुरान के सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, कुरान के सूरा नंबर 47 आयत नंबर 4 में क्यों टेररिस्ट को प्रोवोक किया गया है, क्यों इंस्पायर किया गया है जिहादी एक्टिविटीज को, क्यों इंस्पायर किया गया है? अब मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से काफिरों को मारना, काफिरों को गला काटना, अगर हिंदू बेटियां हैं तो उसका बलात्कार करना, उसकी बोटियां करना, उसको फ्रिज में रखना, उसका गैंगरेप करना, ये सारी चीजें जैसे आप पार्ट ऑफ जिहाद है, उसी तरीके से मुझे लगता है ये गाली देना, गंदी गंदी सड़ी सड़ी गाली देना भी अ पार्ट ऑफ जिहाद है। और एक शिक्षित महिलाओं के जुबान को बंद करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन हमने भी अपनी चमड़ी मोटी कर ली है मुजफ्फर, हमने भी अपनी चमड़ी मोटी कर ली है। एक जमाना था, हमारी माँ का वक्त था, हमारी खाला का वक्त था, हमारी दादी नानी का वक्त था, कि वो जब भी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी वो जब भी आगे आकर के शिक्षा के बारे में कुछ बात करना चाहती थी तो चार जमात बन करके खड़े हो जाते थे और कहते थे कि आवारगी मत करो, घर के अंदर जाओ। लेकिन अब अगर हमको, मुझे अगर बोला जा रहा है कि आवारगी कर रही है, तो मैं नोटिस भेजूंगी और कहूंगी बता, प्रूफ दे कि कहां पर आवारगी थी।
क्योंकि हमारे हमारा देश जो है वो संवैधानिक है, हमारा देश संवैधानिक है। हमारे देश में जब लोकसभा इलेक्शन होता है तो उसको परब माना जाता है, उसको गर्व माना जाता है, उसको एक बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है। और इलेक्शन की कंपेनिंग के दौरान आप हमारे चिट्ठे खोलिए, हम आपके चिट्ठे खोलेंगे, लेकिन जब आप डर जाएंगे तो आप मुसलमान मर्द होने का नाजायज फायदा उठा करके हमारे और माधवी लता जी के माँ बहन के प्राइवेट पार्ट्स की गालियां देंगे। ये भी अल कुरान में लिखा होगा तभी मान रहा है। अच्छा, अवेसी बाबरी मस्जिद के लिए आवाज उठाता है, हिजाब के फेवर में आवाज उठाता है, शरिया लॉ के फेवर में आवाज उठाता है, सुन्नत रसूल के फेवर में आवाज उठाता है, जब उसी का रजाकार का फौज, ये मर्द जो माधवी लता जी को सरे बाजार उनकी माँ की इतनी गंदी गाली दे रहा है, और उन्हीं के फैन क्लब का मोहसिन एक्स और साकिब मुझे इतनी गंदी गंदी गालियां लिख करके भेज रहा है, और मैं अवेसी को उसके पर्सनल मोबाइल नंबर पर भेज रही हूँ, तो उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी क्यों नहीं मांगी? बिल्कुल, मैं आपसे यही जानना चाहता था, पाकिस्तान में चले हम कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ नहीं है, पाकिस्तान में जो मर्जी जिसका जिसको दिल करता है कहता रहता है, बकवास करता रहता है, जो भी करता रहता है, लेकिन जैसे आप भारत की बात करती हैं कि यहाँ पर तो रूल ऑफ लॉ है, अगर कोई बात ऐसी करता तो उसको आप कटहरे में ला सकती हैं, तो इनको डर खौफ क्यों नहीं है? अवैसी को या उसकी जो रजाकार गैंग है उनको डर खौफ क्यों नहीं है? वो क्यों इस तरीके से वो अग्रेसिव होके वो महिलाओं के खिलाफ और सब ये इस तरह के काम कर रहे हैं? वो बिल्कुल जैसे कि वो उन्हें किसी चीज का खौफ ही नहीं है, इसकी क्या वजह? अब मैं आपको बताती हूँ राज, रजाकार का राज, क्योंकि रजाकारों का राज जानना बहुत जरूरी। भारत में 53 साल एक सरकार थी जिसका नाम था कांग्रेस, जिसकी इस्लामिक मोहब्बत ने कांग्रेस को, इस्लामिक और पाकिस्तानी मोहब्बत ने आज कांग्रेस को देश की पार्टी से मोहल्ले की पार्टी में कन्वर्ट कर दिया। नेहरू एक ऐसा व्यक्ति था जिसने राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के डिस्प्यूट को जिंदा रखा अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए, हालांकि इतिहास गवाह है कि 1936 से बाबरी मस्जिद पर कोई मुसलमान नमाज पढ़ने तो क्या, वहां के झोल और झाले को झाड़ू देने भी नहीं जाया करता था, वो तो खंडर बन चुका था बाबरी मस्जिद। और 12 मुसलमानों ने खुद एफिडेविट दिया था कि भाई ये राम मंदिर है और बाबर ने यह सब कुकर्म किया था और आप लोग इसको मंदिर बना ले। ये नेहरू का काम मैंने बता दिया। गांधी जी वो मंदिरों में जाकर के कुरान की आयत पढ़ते थे पर मस्जिदों में जाकर के श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नहीं पढ़ते। अब अब्दुल्ला और मुफ्ती के द्वारा आर्टिकल 370 लगा करके जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की पुरजोर कोशिश कांग्रेस के ईरा में हुई, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को रोटी बोटी दे करके और उसको रिकॉग्नाइजेशन दे करके संविधान होते हुए भी कोर्ट के अंदर, हमारे द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को खड़ा होने की ताकत किसने दिया? कांग्रेस की सरकार ने। अजमल कसब जो पाकिस्तान से आया था भारत को बर्बाद करने के लिए, अपने अंदर एक बहुत बड़ी राज लेकर के आया था भारत को धर्म बरहम कर देने के लिए, डेविस्टेट कर देने के लिए, कांग्रेस की सरकार ने हमारे देश के खजाने से 30 करोड़ रुपए निकाल करके अजमल कसब पर खर्च किया। हमारे भारत के लोगों ने अफजल गुरु हम शर्मिंदा है तेरे खातिर जिंदा है जैसे नारे को हमने देखा सर्वोच्च न्यायपालिका के बाहर और वो लोग अरेस्ट नहीं होते थे। आज कांग्रेस में जो कन्हैया आज बड़ा नेता बना हुआ है वो कल तक शाहीन बाग पर चिल्लाता था भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और तब भी आरफा से लेकर के राशिद रशीदा से लेकर के कोई भी अरेस्ट नहीं हुई। उसी तरीके से ये बड़े अवेसी और छोटे अवेसी ने जब 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की धमकी दी और ये बोला कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ उसके बाद दिखाते हैं कि मुसलमान में ताकत है कि हिंदुओं में ताकत है, और तब एक चुपचाप सा एफआईआर हुआ और फिर उसको रिहाई भी मिल गई, वो जेल भी नहीं गया। अब आप बताइए कि जिस देश में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी यासीन मलिक के साथ बैठ करके दावत किया करते थे वहां पर तो कानून ऐसा ही रहेगा ना? वहां पर तो कानून ऐसा ही रहेगा। 53 साल कांग्रेस का था, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बम फटता था, हमारे यहाँ तो कानून ऐसा ही रहेगा।
हालांकि भारत ने ऐसे ऐसे मुसलमानों को अपनी कोख से जन्म दिया, एपीजे अब्दुल कलाम, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, तारिक फतेह साहब, नाजिया इलाही खान, और पाकिस्तान से कौन निकलता है, अजमल खसब, हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम, लश्कर ए तैयबा। मुसलमान मैं भी हूँ, मुसलमान एपीजे अब्दुल कलाम साहब भी थे, मुसलमान जो है तारिक फतेह साहब भी थे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब भी मुसलमान थे। तो आज हम इतने सुकून से रात में क्यों सोते हैं? आज हमारा नाम अच्छे लोगों में क्यों गिनती में आता है? गालियां हमें पड़ रही हैं। और देखिए, इसको इसका भी मैं एग्जांपल आपको दे सकती हूँ। जिस दिन याकूब मेमन का के जनाजे की नमाज थी, उसी दिन एपीजे अब्दुल कलाम साहब के जनाजे की नमाज थी। एपीजे अब्दुल कलाम साहब के जनाजे की नमाज में चंद मुसलमान थे, लेकिन याकूब मेमन जैसे जिहादी के और जंगजू और टेररिस्ट के जनाजे की नमाज में मुसलमानों का सैलाब। कांग्रेस की सरकार थी जहां जिहादियों को, आतंकियों को, टेररिस्ट को रोटी बोटी दे करके पाला पोसा जाता था, क्योंकि गांधी परिवार का एक ही स्ट्रैटेजी था, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड करो और रूल करो, यही स्ट्रैटेजी था कांग्रेस का। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे भारत की बेटी और बीजेपी के स्टार प्रचारक नाजिया इलाही खान जी ने ना सिर्फ कांग्रेस के बल्कि ओवैसी और उसकी रजाकार फौज के भी जितने राज हैं वो सारे उजागर किए और पूरी तरह से इनको एक्सपोज करके रख दिया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।